हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज आपके साथ मैं एक पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मैं इसे डीप फ्राई ना करके तवे पे बनाऊंगी। वो है ब्रेड के पकौड़े। ये पकौड़े खाने में बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये चार वाइट ब्रेड हैं, ये बड़े साइज की ब्रेड है, 150 ग्राम के करीब बेसन, एक बड़े साइज का प्याज एकदम बारीक कटा हुआ, कुछ कलियां लहसुन की हैं, ये 5-6 कलियां हैं और इसे मैंने बारीक काटा हुआ है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच से कुछ कम मैंने हल्दी ली है और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे हम रिफाइंड ऑयल और एक पिंच हमें ज़रूरत होगी बेकिंग पाउडर की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन को हम बड़े बर्तन में कर लेंगे और इसका घोल बनाएंगे। इसमें ये बेसन में ही हम ये प्याज, लहसुन, नमक, मिर्च, लाल मिर्चें, अजवाइन, हल्दी और ये हरा धनिया सब मिला लेंगे और इसी समय हम इसमें सिर्फ बिल्कुल 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और आधा छोटा चम्मच से भी कम यानी 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच से भी कम 1/4 छोटी चम्मच से भी कम मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसमें मिला देंगे और पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें जिस तरीके से हम पकौड़ों का रखते हैं बिल्कुल उतना ही रखना है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सैलो फ्राई करके बना रही हूँ और घोल हमारा बनकर तैयार है। घोल बनाने में जितना मैंने बेसन लिया था वो करीब उतना ही मेरा पानी लग गया है। आप घोल बनाएं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। और अब हम एक एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और आप चाहें तो इसे ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्क्वायर में काट रही हूँ और इसके 4 पीस कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सभी ब्रेडों के पीस कर लूँगी। ब्रेड के मैंने पीसेस कर लिए हैं और बैटर भी हमारा रेस्ट हो गया है। अब हम एक तवा गरम करेंगे और जैसे ही तवा गरम होता है हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल तवे पे गेर देंगे जिससे तवा अच्छी तरह चिकना हो जाए और हमारे ब्रेड पकौड़े तवे पर चिपके नहीं। बस इस तरीके से एक एक पीस उठाकर हम इसमें लपेट देंगे इस तरीके से और इसे जो तवा हमने गरम किया था उसके ऊपर रखते जाएंगे। और अगर आप डीप फ्राई बनाने हैं तो आप कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और इसी तरीके से आप इसे गरम तेल में या रिफाइंड में डाल दीजिए। इसी तरीके से मैं और डाल देती हूँ और ब्रेड पकौड़े तवे पर रखने के बाद हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और डाल देंगे इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से भी डाल देंगे, बस एक एक दो दो बूंद। और अब हम इन्हें पलटना शुरू करेंगे। एक एक ब्रेड पकौड़े को हम इस तरीके से पलट देंगे और जो ब्रेड पकौड़ा सिकता जाएगा उसे आप किनारे से लगाते जाएं। और अब हमारे ब्रेड पकौड़े सिक चुके हैं। मैंने इन्हें मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक सेका है और आप देख सकते हैं कि इन पे एक बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एकदम कम चिकनाई में
स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ये बहुत टेस्टी और इजी ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।